amazing. I am great as well. I am Nandini. I am your educator and mentor at Yonkro. Let's start. आज मैं तुम्हारे साथ कवर करने वाली हूँ December week 2. Start करते हैं, देखते हैं December की best news क्या रही है. थोड़ा सा समझना इस चीज को. Our best preparation has already started. If you haven't enrolled, you can get yourself enrolled ASAP. Best preparation शुरू हो चुकी है. You can get feedback from our students. कितना वो enjoy कर रहे हैं general knowledge को. मेरे पास सबके feedback आते हैं कि हम पहले मैम बिल्कुल enjoy नहीं करते थे, but अब हमारे GK पढ़ने का इतना ज़्यादा मन करता है. Of course, GK पढ़ने का मन करेगा जब एक atmosphere बन जाएगा GK का. चलो ठीक है, देखते हैं न्यूज क्या है. जस्टिस टू द जज इज नेम ऑफ द बुक. ये ऑटोबायोग्राफी है रंजन गोगोई की. रंजन गोगोई हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये जज है. अब ये करंटली कहाँ है? करंटली ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, ये मेंबर है करंटली. ठीक है, सो जस्टिस टू द जज किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रंजन गोगोई की ऑटोबायोग्राफी है. फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं. फिलहाल के लिए 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो है एनवी रमन्ना जी. ऑलराइट, सो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ऑफ सिटिंग नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर है ये. एंड रंजन गोगोई की ऑटोबायोग्राफी आई है जस्टिस टू द जज, यू शुड नो इट. नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सिग्निफिकेंट जेस्टर इंडिया जो है अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है. ओनली समटाइम बैक इन्होंने कुछ मेडिसिन भेजी थी. क्या हो रहा है? वॉर टॉर्न अफगानिस्तान, मतलब वुमेन की कंडीशन खराब हो चुकी है, पॉवर्टी है, हंगर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो इन सब चीजों में इंडिया हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की. तो उसने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी है. पता होना चाहिए कि इंडिया हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की. और क्या ऐसी कंडीशन है? देखो अफगान चिल्ड्रन जो है, ये अफगान चिल्ड्रन की पिक्चर है, वो तो ठीक है. 3 months हुए हैं अभी तालिबान रूल में और 22.8 मिलियन अफगान्स could face acute hunger. Acute hunger का मतलब होता है acute means absolute hunger वो लोग face कर रहे हैं. Acute forever रहेगी, मतलब कि वो लोग को खाना नहीं मिल पाएगा. Acute means severe hunger वो लोग this winter experience कर रहे हैं. फिर तालिबान has been cut off from $9.5 billion. उसको aid मिलती थी, जो assets थे उसके, जो loans थे उसको, assets क्या हुआ था उसके जो एसेट्स थे उसको कट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर लोन थे तो लोन नहीं चुका पाएंगे. इस वजह से उनके एसेट्स रोक दिए गए हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा वाइडस्प्रेड है वहां पर, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है. सो अफगानिस्तान की ऑन द होल पोजिशन बहुत ही ज्यादा खराब है. तालिबान ऑब्सेस करता है वुमेन की डेली एक्टिविटीज के ऊपर, चेक रखता है, ये सब इन नामों में है. रादर देन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, रादर देन प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है. एक इंटरव्यू में सुन रही थी, उस इंटरव्यू में बताया कि दैट वुमेन सेइंग हमें कुछ भी दे दो, हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, वी डोंट हैव एनीथिंग एट ऑल. सिचुएशन वहां पर बहुत ही ज्यादा खराब है. इंडिया वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहा है. फिर इंडियन बॉर्न गीता गोपीनाथ का नाम हम बहुत सुनते हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी है IMF की. अब वो सेकेंड लार्जेस्ट पोजिशन पर जा रही है. अब शी विल बी द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर. पहले वो चीफ इकोनॉमिस्ट थी, न्यूज आई बीच में वो स्टेप डाउन कर रही है. अब फाइनली उन्हें डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है. मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF का? मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, वुमन है ये. देन इंडिया का फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट कार्ड लॉन्च किसने किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है. IDFC बैंक अलग था, कैपिटल फर्स्ट अलग था, अब इनका मर्जर हो चुका है. IDFC फर्स्ट बैंक बोला जा रहा है. एंड इसके जो अम्बेसडर है, ब्रांड अम्बेसडर दिस अमिताभ बच्चन जी हैं. एंड इंडिया का फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड आया है. इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का लार्जेस्ट, हमें न्यूज चेक रखनी होती है. ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक, एक ब्लैक कलर का इनफाइनाइट कार्ड है ये, स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड. एक बार गूगल करके सर्च करना, हियर द पिक्चर इज नॉट देयर, तो बट तुम लोग एक बार सर्च करके जरूर देखना. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. अंजू बॉबी जॉर्ज काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये हाई जंप की प्लेयर है, तो इन्होंने काफी इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं. अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर बोला गया है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स. वर्ल्ड एथलेटिक्स वर्ल्ड बॉडी है, उन्होंने किसको दिया है वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड? अंजू बॉबी जॉर्ज इंडियन है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट नाम है. फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 7th of December को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे. हु इज आर सिविल एविएशन मिनिस्टर? ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं. फिर थीम क्या रहा? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट इसका थीम है. राइट, इंपॉर्टेंट है. फिर बॉयकॉट करो 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स. बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बॉयकॉट किया है, इसको बोल रहे हैं डिप्लोमेटिक बॉयकॉट. अब क्या हो रहा है, बीजिंग चाइना में
एज इन जो चाइना में Uyghurs मुस्लिम है ना, Uyghurs मुस्लिम का बहुत ही गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, उन्हें जान से मार दिया जा रहा है, उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं. तो इन चाइना Uyghurs मुस्लिम जो कि तुर्की के होते हैं ओरिजिनली, उन लोगों को इल ट्रीट किया जा रहा है. इसलिए बहुत सारी कंट्रीज अपनी अपने डिप्लोमैट्स को, मतलब अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपनी कंट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं भेज रही हैं इन चाइना. अपने प्लेयर्स को तो भेजेंगे, प्लेयर्स तो पार्टिसिपेट करेंगे जो चाइना ये विंटर ओलंपिक्स आने वाले 2022 में, बट दे वोंट सेंड द डिप्लोमैट्स. सो यूएसए ने, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया, काफी कंट्रीज ने स्टेप अब उठा लिया, इवन कैनेडा ने. तो वो लोग इस चीज को बॉयकॉट कर रहे हैं. इस बॉयकॉट को बोला जा रहा है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट. ठीक है, जैसे अभी तुम्हें पता है 2020 समर ओलंपिक्स हुआ, 2024 में अब पेरिस ओलंपिक्स होगा, ये सब समर ओलंपिक्स है. ठीक है, अब क्या होता है 2022 में बीच में विंटर ओलंपिक्स होगा, फिर 2026 में होगा. तो हर जो समर ओलंपिक्स हर चार साल बाद होते हैं, विंटर ओलंपिक्स भी हर चार साल बाद होते हैं. सो दो समर ओलंपिक्स के बीच में विंटर ओलंपिक्स आता है, समझ रहे हो मेरी बात. तो सिंगापुर हैज बीन रिमूव्ड. अब इंडिया की बहुत सारी एट रिस्क नेशंस है, जो हम लगता है एट रिस्क है, एक लिस्ट है, तो सिंगापुर को रिमूव कर दिया गया है. दिस इज अ न्यूज यू शुड नो इट. सिंगापुर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दैट मैटर. फिर श्री अनुराग सिंह ठाकुर. अनुराग सिंह ठाकुर इज आर आईटी मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो आर स्पोर्ट्स मिनिस्टर. एंड योगी आदित्यनाथ ने एक दूरदर्शन केंद्र अर्थ स्टेशन इनॉग्रेट किया है गोरखपुर यूपी में. दूरदर्शन केंद्र अर्थ स्टेशन, इसमें एफएम आएंगे लार्ज लेवल पर. तो तुम्हें पता होना चाहिए इनॉग्रेट हुआ है दूरदर्शन केंद्र कहाँ हुआ है, हुआ है गोरखपुर यूपी में. देन आसामी पोएट नीलमणि फुकन, योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है यूपी के. फिर आसामी पोएट नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड. एंड कोंकणी नॉवलिस्ट दामोदर मौजो, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ज्ञानपीठ अवार्ड पूछते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, असम के जो पोएट है नीलमणि फुकान जूनियर को 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है. एंड कोंकणी नॉवलिस्ट है दामोदर मौजो, इनको मिला है 57 ज्ञानपीठ अवार्ड. ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब जो तुम इतनी सुंदर रोड देखते हो, हु इज द मैन बिहाइंड इट, नितिन गडकरी, जिनको हम रोड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन बनी है अलका उपाध्याय, यू शुड नो इट. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है. नितिन गडकरी इज आर मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, काफी टाइम से है और ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है. सम्मित पात्र जो नेशनल स्पोक्स पर्सन थे बीजेपी के, अब अपॉइंट करे गए हैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन. ही हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, विच इज ITDC बोलते हैं, बाय अपॉइंटमेंट कमिटी. बहुत सारी कमिटीज होती है तो अपॉइंटमेंट कमिटी इज वन ऑफ दोस. अपॉइंटमेंट कमिटी में इनको अपॉइंट किया है ITDC, विच इज इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ये चेयरमैन बन गए हैं. फिर डिजी यात्रा इंडिया की फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड प्रोसेस है. अब क्या है, पहले तुम एंट्री करते हो तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं. तो वो लोग चाहते हैं चाहे तुम्हारा थंबप्रिंट हो, चाहे तुम्हारी शक्ल देखे, फेशियल रिकॉग्निशन से तुम्हारी एंट्री हो जाए, इसे बायोमेट्रिक एंट्री बोलते हैं. सो बायोमेट्रिक एंट्री का जो पूरा इनिशिएटिव है, इसका नाम है डिजी यात्रा. डिजी मीन्स डिजिटल, दे वॉन्ट टू मेक इट ऑल डिजिटल. मीन्स तुम आओ, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारी एंट्री हो जाए, या फिर तुम्हारे थंबप्रिंट से कोई बायोमेट्रिक चीज हो सकती है. सो दे वॉन्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग. वो एयरपोर्ट्स में, काफी एयरपोर्ट्स में है भी ऐसा, फेशियल रिकॉग्निशन अब लगता है, बट दे वॉन्ट टू गेट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नीरज चोपड़ा मोस्ट सर्च पर्सन थे. अब गूगल पर सबसे ज्यादा किसको सर्च किया गया है, पूछ सकते हैं नीरज चोपड़ा को क्या है. मोस्ट सर्च टॉपिक क्या रहा, आईपीएल. आईपीएल को बहुत ज्यादा लोगों ने सर्च किया है. वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है तेल अवीव, जो कि इसराइल में है. एंड कोई पेरिस नहीं, हांगकांग इस बार तेल अवीव ने टॉप किया है. और ये रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने निकाली थी. ठीक है, इकोनॉमिस्ट ग्रुप की है ये, काफी बड़ा ग्रुप है ये. फिर इंडिया इज होस्टिंग टू डे साइबर सिक्योरिटी सेमिनार कंडक्ट कर रहा है, ऑनलाइन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO कंट्रीज इन न्यू दिल्ली में. अब एक और न्यूज आ रखी है कि ईरान हैज ऑल्सो ज्वाइंट. ईरान भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है. पहले 8 कंट्रीज थी मेंबर्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, अब 9 हो गई है. फिर यूनेस्को जिसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ऑजले, हेडक्वार्टर्स पेरिस में है. 2 हेरिटेज अवार्ड दिए हैं जो कि वो उसको दिए हैं जो कि इंडिया में सिचुएटेड है. निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को यूनेस्को ने 2 अवार्ड दिए हैं, सस्टेनेबल अवार्ड एंड एक्सीलेंस अवार्ड. 2 अवार्ड मिले हैं. किसको मिले हैं, निजामुद्दीन बस्ती को मिले हैं प्रोजेक्ट को. वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का है तो याद रखना है.
8 December is celebrated as SAARC Charter Day. Very important. South Asian Association of for Regional Cooperation. Very important. South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC Charter is बनाया था, तो 8 December को SAARC Charter Day मनाया जाता है. SAARC Day भी बोल सकते हैं. International Anti-Corruption Day, 9th of December. याद रखना है, your right, your role, say no to corruption. Your right, your role, say no to corruption is the theme. Very important. 10th December celebrate होता है International Human Rights Day. It's been United Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights came into being in the year 1948. International Human Rights Day, very important. Theme पता होना चाहिए, reducing inequalities, advancing human rights. Reducing inequalities, advancing human rights. Next देखो, Trace Global Bribery Risk Index. अब Trace Global Bribery Risk Index में टॉप किसने किया है? आज इन सबसे ज्यादा सबसे कम ब्राइबरी कहां पर है? डेनमार्क पे. डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड प्रेजेंट द लोएस्ट. मतलब सबसे कम ब्राइबरी इन कंट्रीज में है. इंडिया की पोजीशन, इंडिया की रैंक 82nd है. काफी बेकार रैंक है. तो ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी इंडेक्स वैसे याद रखना, डेनमार्क टॉप पर है, फिर नॉर्वे है, ये सब अच्छी कंट्रीज है, और इंडिया 82nd रैंक पर है. इंडिया बुरी नहीं है बट इस रैंकिंग के हिसाब से. फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीसीपीआई जिसे बोलते हैं, जर्मन वॉच रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इसे लॉन्च किया है. न्यू क्लाइमेट इश्यू किस चीज से लॉन्च किया है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम मत याद रखना, ये नाम मत याद रखना, बस जर्मन वॉच का याद रखना. जर्मन वॉच रिलीज करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. 17th एडिशन आया था. इंडिया की पोजिशन 10th नंबर पर है. 10th नंबर पर इंडिया की पोजिशन है. फर्स्ट थ्री पोजिशन खाली है. डेनमार्क ने टॉप किया है बाय बीइंग एट द फोर्थ पोजिशन. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. फिर सेंचुरी, अब क्या है ये सब, ऑल ऑफ दीज आर ब्रांड एम्बेसडर्स. सौरभ गांगुली सेंचुरी एलईडी मागिक रेंज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है. वूवी एंड आईआईटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है. ये वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में पढ़ाएगा. ये ऐप वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस की नॉलेज देगा. बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूडेड है. तो स्मृति मंधाना इस इस स्टार्टअप की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है. फिर 50 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं संजय दत्त. वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट. देन पिरामल रियलिटी, फरहान अख्तर और राहुल द्रविड. पहले फरहान अख्तर बने थे, अब राहुल द्रविड को भी बना दिया गया है पिरामल रियलिटी का ब्रांड एम्बेसडर. फिर पैनिक्स 21 एक्सरसाइज है का नाम है. इसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड हो रही है. बिम्स्टेक कंट्रीज इंक्लूड हो रही है. कौन कौन सी कंट्रीज आती है बिम्स्टेक में पता होना चाहिए. बांग्लादेश, भूटान, बी बी इंडिया आती है, आई से सोचो इंडिया है, एम से सोचो म्यांमार है, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ई सी से याद रखना ई सी में भूटान और नेपाल आती है. ऐसे मैंने लर्न कर रखा है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे लर्न करा रखा है. तुम भी याद रखना पैनिक्स 21 एक्सरसाइज कंडक्ट हुई बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में. और ऐसे तुम सब याद करोगे बी से दो कंट्रीज है बांग्लादेश और भूटान. याद रखना अफगानिस्तान बिम्स्टेक कंट्रीज में नहीं आता है, पूछ सकते हैं. 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास किसने लिखी है? रचना ने लिखी है. रचना भिष्ट रावत ने लिखी है. बुक का नाम इंपॉर्टेंट है. BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे? विक्टर एक्सेलसन रहे. विक्टर एक्सेलसन हैज बिकम मेल प्लेयर ऑफ द ईयर. इंपॉर्टेंट. फिर FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना में. दिस वॉज हेल्ड इन इंडिया और इंडिया की पोजिशन फोर्थ रही. भुवनेश्वर उड़ीसा में कंडक्ट हुआ था. संजय बादोपाध्याय चेयरमैन बन गए हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के. संजय बादोपाध्याय इंपॉर्टेंट नाम है. सुनील अरोड़ा जो हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ज्वाइन किया है ऑफ इंटरनेशनल आइडिया. ये डेमोक्रेटिक बॉडी है, डेमोक्रेसी बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे. सुनील अरोड़ा ने इनके बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स पर ज्वाइन कर लिया है. नेक्स्ट देखते हैं. फिर रशिया टेनिस टीम ने जीता है डेविस वर्ल्ड कप. डेविस कप बोलते हैं, सॉरी डेविस कप टेनिस का होता है, पूछ सकते हैं. डेविस कप जो होता है कौन से फील्ड में खेला जाता है? टेनिस में खेला जाता है. रशियन टेनिस टीम ने जीता है. मैड्रिड स्पेन में ये हुआ था. इट वॉज हेल्ड देयर डेविस कप. ऑलिव कॉल्स अब क्या हुआ है, बहुत ज्यादा न्यूज में थी. अर्जेंटीना की चांसलर एंजेला मर्केल अब शी हैज स्टेप डाउन. उनका एरा खत्म हो गया है. ऑलिव कॉल्स हैज टेकन ओवर. 4.5 डे वर्क वीक लिखा हुआ है यूएई में फॉलो होगा अब ये. 4.5 डे वर्क वीक ये काफी अच्छा और काफी बढ़िया स्टेप लगा मेरे को तो बहुत ज्यादा. 4.5 डे वर्क वीक विद डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुजरात हैज बिकम द इंडिया की लीडिंग. ये अलग है. दिस इज डिफरेंट न्यूज. विद डेटा बाय
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुजरात इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है. पहले गुजरात नहीं था, अब पहले महाराष्ट्र था आई बिलीव, फिलहाल कौन बन गया है, फिलहाल गुजरात बन गया है. इंडिया के नए ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा है. कोई पूछे ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल कैप्टन, यही मैंने क्विज दिया था सब बच्चों के साथ जो लोग जिनके क्लासेस चल रही थी. तो ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा है, टी20 इंटरनेशनल के भी रोहित शर्मा है, और वैसे जो टेस्ट के हैं टेस्ट के कैप्टन है विराट कोहली, ठीक है, और रोहित शर्मा टेस्ट के वाइस कैप्टन है. फिर वैसे ओडीआई के कैप्टन रोहित शर्मा है. यू मस्ट चेक आउट द वाइस कैप्टन एज वेल, एक बार वाइस कैप्टन चेक करना. फिर इंडिया की न्यू ओडीआई कैप्टन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संजीव मेहता जी बन गए हैं. हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है, ही इज दिस पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अब फिक्की फिक्की इंपॉर्टेंट बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं संजीव मेहता, इंपॉर्टेंट नाम है. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे. I have tried to explain the maximum possible. Any doubts, do let us know in WhatsApp number flash ho raha hoga. If there is any doubt, anything you want to ask, inquire, you can WhatsApp on that number. Call bhi kar sakte ho. And thank you so much. I hope the class was useful. Hamari full-fledged classes chal rahi hain. Reasoning, GK, verbal ability, quant, sub classes full swing mein hain. You can get connected. Aap log aa sakte hain. You can join our classes if you feel like. And any queries, any doubts can be solved then and there. All right. Thank you so much for watching the session. I hope this was useful. Samajh aaya hoga. And take care. See you again. Week 3 aa raha hoga. Jab puri news compile ho gayi hogi. Theek hai? Best news tum log ke saath present ho rahi hogi. All right. Take care. Till then, keep watching. And bye bye.